खुदावंद अपनी जमात को, चेयरमैन को, तमाम बॉडी को आपके हैंड ओवर करते हैं। कादरत जिंदा आसमानी पिता, कलाम में लिखा है कि जो भी करो जी जान से करो, ये जान कर करो कि खुदा के लिए करते ना कि इंसान के लिए। आए खुदा आज जो भी हमारी गुफ्तगू हो, हम करते जाए तेरा जलाली और नूरों का नाम हमारी जिंदगी में बढ़ता जाए। चेयरमैन से लेकर हम तमाम जितने वर्कर्स हैं, आए खुदा हम अपने आप को आपके हैंड ओवर करते हैं। यीशु के पाक लहू में हमारी गुफ्तगू हो, यीशु के पाक लहू में तमाम बॉडी को ब्लेस करते हैं, और जितनी भी गुफ्तगू हो वो तेरे नाम को जलाल देने के लिए हो, कौम की बहाली और सरफराजी के लिए हो, मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए हो, मसीह के नाम से। तहरीकी प्रोग्राम करवाते हैं, तहरीकी प्रोग्रामों में शामिल होते हैं, और जब भी तहरीका कोई हुक्म होता है या प्रोग्राम होता है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, नो डाउट। और इस तमाम इनकाशों के लिए आप तमाम दोस्तों को मैं सलाम भी पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, और दिल से आपकी कदर करता हूँ, और आप सबका एक दफा फिर शुक्रिया। इंसानी हकूक के आलमी चार्टर के मुताबिक अपने कवानीन को तश्कील देगी, और बहुत सारी दुनिया में किया भी, और जो कवामे मुत्तहिदा है वो आज भी पूरी दुनिया में इंसानों के हकूक को मॉनिटर करता है। जिस मुल्क में भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होती है वहां पे वो इंटरेक्शन करते हैं, उस पर दबाव डालते हैं। और अकवामे मुत्तहिदा की बहुत सारी जैली तंजीमें हैं जो जिस तरह यूनिसेफ है जो बच्चों के हकूक के लिए करती है, फिर इस तरह खवातीन के हकूक के लिए उन्होंने एक इदारा बनाया है, माइनॉरिटीज के लिए जो रिलीजियस फ्रीडम पे देखते हैं, इस तरह उन्होंने अपनी शाखें बनाई हुई हैं जो इन चीजों को मॉनिटर करते हैं, इसके ऊपर अपने काम करना है, इसके ऊपर अपने फ्रेंड्स को कहें जो भी कहें, और मेक श्योर करें कि उनके नाम लिखे आपको, चाहे उनको 10 बार कॉल करना पड़े, ये करना पड़ता है, उनके एक बार कॉल करनी पड़ती है, नाम लिखने पड़ते हैं, तो ये चीजें हमें करनी पड़ेगी। और क्योंकि आप लोग यहाँ पर मेन और इसी से पार्टी की पहचान स्पीच करते हैं और हमें अवेयर करते हैं। उस चैनल का जो मकसद होगा मैप में जो यूथ है उनको मैप में शामिल करने के लिए अवेयरनेस होगी, उनको गाइड दी जाएगी, उनको बताया जाएगा कि मैप आखिर कर क्या रहा है, उनको मैप को प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, इन चीजों के बारे में उनको गाइड दी जाएगी। और जिसमें मुझे जिना टाउन का जो सदर है भाई और मदीना टाउन के जो सदर भाई, इन दोनों की जरूरत होगी कि वो मेरी हेल्प करें। तो मजीद ये होगा कि जो हमारे फैसलाबाद का मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया, तो मेरी टीम जो है वो कमिंग सून मैं अपनी जो टीम जो है वो प्रेजेंट करूंगा। और 10 तारीख को वैसे मेरे कजन का वीमा है तो कोशिश करेंगे कि जरूर आए, तो अदरवाइज मैं ना भी आया तो मेरी टीम जो है वो हमारे इलाके में से वो जरूर आएगी। सो इसी लिए टीम बताता है तो आप हम इसके साथ ही हमें चाहिए कि जितने जितने लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इधर ना हो तो तो ये है कि वो डे जो है वो मैं चाहती हूँ कि यहाँ फिर उसको 11 कर ले, क्योंकि संडे को सीजन चूंकि शादियों का है तो मुझे लगता है कि कम लोग शायद, क्योंकि लीडर भी अगर नहीं आते तो फिर उनके पीछे 100 लोग जो है ना वो तो अब भूल ही जाए, क्योंकि अगर खुद ही बंदा एब्सेंट हो गया तो दूसरे लोग के साथ हम कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे। तो ये लगता है मुझे, और फिर टाइमिंग आप डिसाइड करके बता दें, तो अगर हम हफ्ता भी कर लेते हैं, जुमा कर लेते हैं एक दिन पहले और पीछे चले जाते हैं, तो अगर उस दिन पे शादियां कम होती, संडे वाले दिन लोग छुट्टी देख के शादी का दिन रख लेते हैं, और वैसे भी संडे वाले दिन तो लोग 2 बजे तक तो चर्च ही रहते हैं। मैं एक गल कहना अपने दोस्तों में भी, दोस्त रिश्तेदार में भी, अगर साढ़े को अगर लीडर है तो इंशाला एक साढ़े को है तो अकबर पटेल सू ने सू बुला दिता वा, तो दुआवा जी सू याद रखना चाहिए, उम्र जी लंबी करे, सेहत तंदुरुस्ती ता फरमाए, दुआवा जी जरूर सू याद रखना चाहिए वा। बाकी रह गई गल 10 दिसंबर के बारे में, इंशाला कोशिश करा कि अपने पिंडों में अपने इलाके चो जो अच्छे लोग हैं उन्होंने लैके आ। चेयरमैन साहब ने बताया कि हम रबते में तकरीबन 2 साल से ज्यादा अच्छे से हम रबते में,
और शुरू से मेरी ये ख्वाहिश रही है कि मैं मिनोरिटी लाइन्स में काम करूं और अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए हम एक दिल एक जान होकर हम चलें, ताकि जिस प्रोसेस में से हमारी कौम गुजर रही है, हम इसको इस मुश्किलात में से निकालने का कोई ना कोई अच्छे से अच्छा सबब ढूंढे। तो मैं आज अपने दोस्तों के सामने इस बात का ऐलान करता हूँ कि मैं पाकिस्तान मिनोरिटी लाइन्स में अपनी शमूलियत सब नियमतों के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, वफादारी के लिए जो हमारे साथ हमेशा रहती है, और खुदा इस मीटिंग के लिए, चेयरमैन साहब के लिए, जितनी बॉडी यहाँ पर इकट्ठी हुई है, आसमानी खुदा इन सब भाइयों को और बाजी को खुदा मैं तेरे जोर पेश करता हूँ। खुदा तू हम सब की हिफाजत करने वाला, निगाहबानी करने वाला तू हमारा खुदा है, तू ही हमारा चौपान है, तू ही हमारा गडरिया है। कादरों तेरे खुदा मैं सब भाइयों को, इस कबीना को तेरे लहू में छिपाता हूँ, ताकि ये हमेशा खुदा मन तेरे वफादार बेटे और बेटियां और दिलो जान से खुदा इस जमात के साथ चलने वाले हो। खुदा मन इन पर के ऊपर तेरा हाथ चाहता हूँ, इनकी बड़ी भारी मदद और रहनुमाई करना, हिफाजत करना, निगाहबानी करना, जबकि हम वापस अपने घरों में जा रहे हैं। खुदावन हमेशा खुदावन तू हमारे साथ होना, हमारे घरानों के साथ होना, और खुदावन इस काबिल बना कि हम उनके पाकिस्तान में से जितनी हमारी कौम के लोग हैं, हम उनको खुदावन अच्छे लेवल पर ऊपर लेकर आने वाले हो। खुदावन खुदा अपनी कौम की हिफाजत करने वाले हो। खुदावन हमें अपने कौम परस्त लीडर बना खुदावन, ताकि हम अपने लोगों को बचाने का सबब बने। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।